अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है। आई एम वर्किंग एज एन हाउस ऑफिसर एट फारूक हॉस्पिटल। तो हमने मैट्रिक और इंटर के लेक्चर्स स्टार्ट किए हुए थे, तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर वन। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे, पिछले तीन चार लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं, तो जिन्होंने लेक्चर नहीं सुने वो जाके लेक्चर को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं क्लास नाइन का, which is relative atomic mass, significance of chemical formula and how to write a chemical formula। बहुत ही important long questions आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि board के अंदर must है। Last time हमने long पढ़ा था compound and mixture का difference, वो भी बहुत important था, और उसके बाद हम next important long questions पढ़ने जा रहे हैं। तो let us start from the very important short question is relative atomic mass। आपको पता होना चाहिए board में definition आती है, define relative atomic mass and write its unit। तो क्या होता है relative atomic mass? It is the average mass of an atom of the element as compared to 1/12th of the mass of the atom of carbon 12 isotope। तो आपने किसी भी element के atom का mass लेना है, जब जो कि निकलेगा जब उसको आप compare करेंगे carbon 12 के 1/12th mass के साथ। तो एक केमिकल मेथड है जिससे आप उसको कंपेयर करके किसी भी एटम का मास निकालते हैं, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो जब आप किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालेंगे, कैसे, जब उसको कंपेयर करेंगे हम कार्बन 12 के 1/12 मास के साथ, तो तब जो मास आएगा वो उस एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन ये है, और रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट क्या होते हैं, AMU, which is called atomic mass units। तो एटॉमिक मास यूनिट भी किसी भी एटम के 1/12th मास होगा जब उसको कंपेयर किया जाएगा कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। तो AMU की डेफिनेशन भी आपके बुक में लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद AMU को हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर आता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स। तो AMU को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका ये आंसर आता है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर तीन चार MCQs लिखे हुए हैं, जो कि आपकी बुक से आपने वैल्यूज याद कर लेनी है, जिसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको बताया गया है AMU के अंदर भी, ग्राम के अंदर भी। लाइक प्रोटोन का मास होता है 1.0073 AMU, इस तरह वैल्यूज दी हुई हैं, आपने याद कर लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, बोर्ड के अंदर आते हैं। उसके बाद अब ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपका बोर्ड का, और ये एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। आपकी बुक के अंदर साइड पे एक फूल सा बना हुआ है जिसके अंदर पांच पॉइंट दिए हुए हैं कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। बोर्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और हर साल रिपीट भी होता है कि केमिकल फार्मूला के सिग्निफिकेंस क्या है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख दिए, अगर आप मेरे पॉइंट्स भी याद कर लेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर लिखने में आसानी होगी। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले केमिकल फार्मूला आपको क्या बताता है? केमिकल फार्मूला आपको बताएगा उस सब्सटेंस का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl है, तो NaCl एक केमिकल फार्मूला है, तो इससे आप सब्सटेंस का नाम पता लगवा सकते हैं, बता सकते हैं, विच इज सोडियम क्लोराइड। तो हमने सिर्फ केमिकल फार्मूला देखा और पता लग गया कि ये सोडियम क्लोराइड है। सब्सटेंस का नाम आप केमिकल फार्मूला से बता सकते हैं। नंबर टू, नेम ऑफ द एलिमेंट। जब आपको केमिकल फॉर्मूला दिया जाएगा तो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी सोडियम क्लोराइड, तो इसके अंदर सोडियम है और इसके अंदर क्लोराइड है, क्लोराइड है। तो हमें पता लग गया कि केमिकल फॉर्मूला से इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद होंगे। एंड नंबर थ्री पॉइंट, मास ऑफ द कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, आयनिक कंपाउंड है, तो हम इससे इसका मास भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर H2O है, तो मैंने बताया वाटर और सब्सटेंस का नाम पता लग गया हमें, एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और अगर मैंने इसका मास निकालना होगा तो ऑक्सीजन का 16 और 218 ग्राम मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका मास आ जाएगा वाटर का। तो हमने सिर्फ केमिकल फॉर्मूला से सबसे पहले नेम ऑफ द सब्सटेंस, फिर नंबर सेकंड पे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसके अंदर, एंड नंबर थर्ड इज द मास। अब मैंने यहां पे दो नाम लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड एंड
वाटर, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जबकि वाटर जो है कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कंपाउंड दो तरह के होते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है। तो अब चौथा पॉइंट क्या है कि हमें कंपाउंड से उस कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला को देखते हुए पता लग जाएगा कि ये उसका मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या फॉर्मूला यूनिट है। तो वन इट रिप्रेजेंट्स वन मॉलिक्यूल और फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। अगर सोडियम क्लोराइड है क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इसके फॉर्मूला यूनिट होंगे, और अगर वाटर है तो ये वन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा उस कंपाउंड के। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट रिप्रेजेंट्स द वन मोल ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड का अगर आपको केमिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल H2O लाइक NaCl है, तो ये उसके वन मोल को रिप्रेजेंट करेगा। मोल क्या होता है ये हम आगे जाकर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो दीज आर द फाइव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि केमिकल फॉर्मूला के सिग्निफिकेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बुक के अंदर बच्चे काफी बड़ी बड़ी लाइंस लिखी होती हैं क्योंकि बच्चे अभी कन्वर्ट हुए होते हैं फ्रॉम 8th क्लास टू 9th क्लास, उनसे याद करना मुश्किल होता है। अगर वो सिर्फ ये वाले पॉइंट्स जो मैं बोर्ड पर लिखता हूँ यही याद कर लेंगे और यही लिख देंगे तो उनको उनको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और उनको याद करने में आसानी होगी। इसको फिर आप पूरा सेंटेंस बना के एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाला टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए 9th क्लास के। केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस तो हमने पढ़ ली कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये भी तो पता होना चाहिए कि उसको लिखते कैसे हैं। तो केमिकल फार्मूला की को लिखते कैसे हैं, तो नंबर वन पॉइंट है कि केमिकल फार्मूला के अंदर जो भी दो एलिमेंट्स होंगे वो साइड बाय साइड आएंगे, साइड बाय साइड आएंगे। साइड बाय साइड आने से क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव आयन होगा वो पहले लिखेंगे हम और जो नेगेटिव आयन होगा वो हम बाद में लिखेंगे। तो पॉजिटिव आयन कम्स फर्स्ट, कैटायन कम्स फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन उसके बाद आएगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जिस तरह ये देखें अब सोडियम क्लोराइड है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा NaCl, तो साइड बाय साइड दोनों आगे, तो पॉजिटिव मैंने पहले लिखा और नेगेटिव मैंने बाद में लिखा। उसके बाद पहला पॉइंट तो ये हो गया। फिर मैं आता हूं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी, वैलेंसी मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, वो आप सुने उसकी वीडियो के वैलेंसी होती क्या है। तो वैलेंसी जो उस एलिमेंट की होगी उसके राइट टॉप कॉर्नर पे आएगी। अब चार कॉर्नर है देखें, ये राइट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर एंड लेफ्ट राइट लोअर कॉर्नर। तो अब इन चारों कॉर्नर के अंदर से जो वैलेंसी है वो हमेशा कहां लिखेंगे, राइट टॉप कॉर्नर। देखिए कैल्शियम की प्लस टू वैलेंसी है राइट टॉप कॉर्नर, ऑक्सीजन की माइनस टू वैलेंसी होती है राइट साइड पे टॉप कॉर्नर के ऊपर आएगी। तो सेकंड पॉइंट तो आपका हो गया कि वैलेंसी आपने लिखनी कहां पे है। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं हम, क्रॉस एक्सचेंज मेथड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पे आ जाता है बोर्ड में व्हाट इज क्रॉस एक्सचेंज मेथड। और तीसरा पॉइंट भी है। अब होता क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो वैलेंसी राइट टॉप कॉर्नर उस एलिमेंट की लिखी होगी, जब रिएक्शन होगा जब आप कैपुरस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो वही वैलेंसी अगले कंपाउंड के राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर आ जाएगी, यानी कि वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। ये कैल्शियम की वैलेंसी क्लोराइड के पास आ जाएगी, क्लोरीन के पास आ जाएगी, और क्लोराइड आयन की वैलेंसी कैल्शियम के पास आ जाएगी। तो क्रॉस होगी वैलेंसी, यानी कैल्शियम की क्लोरीन के पास और क्लोरीन की कैल्शियम के पास, इसको कहते हैं क्रॉस एक्सचेंज मेथड। और वैलेंसी पहले राइट टॉप कॉर्नर में थी, अब कहां पे लिखी जाएगी, राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर। इसी तरह इस कंपाउंड के अंदर देखिए कैल्शियम की प्लस टू थी, ये एक्सचेंज होकर ऑक्सीजन के राइट लोअर कॉर्नर पे आ जाएगी, और ऑक्सीजन की माइनस टू थी, ये एक्सचेंज होकर कैल्शियम के राइट लोअर कॉर्नर के ऊपर आ जाएगी। तो दिस इज द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। उसके बाद जब वैलेंसी क्रॉस एक्सचेंज हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, ये CaCl, अब Ca की प्लस टू वैलेंसी थी तो वो क्रॉस एक्सचेंज होके Cl2 के साथ आ, Cl2 के साथ आ गई, और क्लोराइड आयन की माइनस वन वैलेंसी थी वो एक्सचेंज होके कैल्शियम के साथ आ जाएगी। तो कैल्शियम की हम वैलेंसी लिखते नहीं है, तो वन प्लस वन, प्लस वन या माइनस वन वैलेंसी किसी की भी होगी हम नहीं लिखते। तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। इसी तरह जब बड़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है कि जब दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी सेम होंगी, लाइक इन दिस कंपाउंड कैल्शियम की वैलेंसी प्लस टू थी और ऑक्सीजन की वैलेंसी माइनस टू थी, अब प्लस टू माइनस टू सेम है,
तो जब ये क्रॉस एक्सचेंज होंगे, अगर सेम वैलेंसीज होंगे तो दोनों ऑफसेट हो जाएंगे। ऑफसेट होने का क्या मतलब है कि प्लस टू माइनस टू हम फिर नहीं लिखेंगे, जिस तरह की कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना, तो ये क्या हो गई है, ऑफसेट हो गई है। अगर आपके पास प्लस वन या माइनस वन वैलेंसी है तो उसको भी हम कंपाउंड के अंदर नहीं लिखते। तो अगर सब प्लस टू थी कैल्शियम की, क्लोरीन की माइनस वन थी, तो जब इसको क्रॉस एक्सचेंज किया तो ये CaCl2 आ गया, और इसके अंदर आपने दोनों वैलेंसीज नहीं लिखी क्योंकि वैलेंसीज क्या हो गई है, ऑफसेट हो गई। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, Na+1 Cl-1। तो जब ये क्रॉस एक्सचेंज होगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, NaCl, और इसको भी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि प्लस वन और नेगेटिव वन सेम थे, दोनों वैलेंसीज क्या हो गई, ऑफसेट हो गई। तो ये चौथा पॉइंट था हमारे पास कि आपने कुछ फिर क्रॉस एक्सचेंज के बाद कैसे लिखना है उन वैलेंसीज को। लास्ट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं रेडिकल। जब दो एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे उन पे कलेक्टिवली चार्ज आएगा तो उसको हम कहते हैं रेडिकल। तो जब रेडिकल आपके पास आ जाएगा तो आप उसको कैसे डील करना। अब ये रेडिकल SO4-2, अब इसमें दो से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, अब ये जो माइनस टू चार्ज है ये पूरा का पूरा SO4 के ऊपर है एज अ होल। दिस इज सल्फेट आयन, दिस इज सल्फेट आयन, अब पूरे के ऊपर माइनस टू चार्ज। इसी तरह PO4-3 है, इस पूरे के ऊपर फॉस्फेट आयन PO4, पांच एलिमेंट्स है, एक फॉस्फोरस का, चार ऑक्सीजन के, पूरे के ऊपर -3 आयन है। तो अब जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से करेंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास Al है, अब एल्यूमिनियम पे चार्ज होता +3, एल्यूमिनियम पे चार्ज होता +3, साथ SO4-2। अब मैंने आपको बताया था कि -2 जो है ये पूरे के ऊपर चार्ज, जब ये क्रॉस एक्सचेंज होगा तो क्या आपके पास कंपाउंड बनेगा, ये +3 इसका सल्फेट के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा और सल्फेट का -2 एल्यूमिनियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा। तो क्या कंपाउंड आपके पास बन जाएगा, Al2SO4-3। इसी तरह अगर फॉस्फेट एग्जांपल ली जाए तो आपके पास कैल्शियम, कैल्शियम में +2 चार्ज है और फॉस्फेट पूरे के ऊपर एक रेडिकल के ऊपर -3 चार्ज है, -3 उसकी वैलेंसी है। तो जब क्रॉस एक्सचेंज होगा तो कैल्शियम का +2 फॉस्फेट के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा और फॉस्फेट का -3 कैल्शियम के लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगा और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये Ca3PO4-2। तो जब आप वैलेंसीज को क्रॉस एक्सचेंज करते हैं तो आपने ये चीज भी याद रखनी है, आपने साइन नहीं लिखना, बेशक वो नेगेटिव था बेशक वो पॉजिटिव था, तो आप साइन भी नहीं लिखते। और क्रॉस एक्सचेंज मेथड से फिर वैलेंसीज जो है वो एक्सचेंज होकर लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाती हैं। तो ये तरीका था कि आप केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ये पांच आपकी बुक के अंदर काफी लेंथी लिखा हुआ है, अगर आप इन पांच पॉइंट्स को जहन में रख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी और हेडिंग्स बना के मैं आपको समझाता हूँ, समझने में भी आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। तो ये था आज का लेक्चर, अगर आपको लेक्चर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।